तो गाइस वीडियो का थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो गाइस बिना किसी बकवास के, क्योंकि इधर उधर की बातें ज़्यादा करने में मुझे आती है नहीं गाइस, इसलिए हम डायरेक्टली टॉपिक पे आएंगे। तो गाइस आज का टॉपिक है हम कैमरा को किस तरह से फेस कर सकते हैं वीडियो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गाइस जिनको कैमरे से वो ज़्यादा डर लगता है, फियर होता है, या फिर कैमरा स्टार्ट करती हुई गाइस वो मतलब इंस्टेंटली ब्लैंक हो जाती है पूरा, मतलब उनके दिमाग से सब कुछ निकल ही जाता है कि अब क्या बोलना है या फिर उसके बाद क्या बोलना था। तो इसको गाइस हम किस तरह से फेस आउट कर सकते हैं, किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं, वो इस वीडियो में हम गाइस कम्प्लीटली देखने वाले। उससे पहले गाइस अगर मेरी वॉइस में थोड़ा बहुत आपको अगर एयर लग रहा हो तो थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि थोड़ा कोल्ड हुआ है उसकी वजह से मेरी जो वॉइस की लेवल है गाइस वो आपको थोड़ी ख़राब सुनाई देगी। लेकिन फिर से टॉपिक पे आते हैं कि हम कैमरे को गाइस किस तरह से फेस कर सकते हैं। तो देखो गाइस स्टार्टिंग में सब कोई तो परफेक्ट नहीं होता, ना मैं था ना आप है, कोई नहीं होता गाइस। सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट बात यही रही थी, हर किसी को सीखना ही पड़ता है गाइस। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं परफेक्टली मतलब सीख गया हूँ या फिर मुझे डर ही नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। हर किसी के मन में डर रहता है कैमरा फेस करते हो, हर किसी के मन में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत तो फियर हो ही जाता है। ठीक है, तो वैसे ही गाइस मेरा भी वैसे ही हालत था जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरा फेस किया था, मैं भी पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता था। मतलब मेरा भी माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता था, अब क्या बोलूँ उसके बाद क्या बोलना था, मतलब बीच बीच में पूरा तो ब्लैंक ही हो जाता, भूल ही जाता, सब कुछ भूल जाता था। तो हम किस तरह से गाइस इसको फेस कर सकते हैं कैमरे को, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला क्या करना है गाइस, आपको मेनली तो आपको एक कम्युनिटी में बैठना है। ठीक है, कम्युनिटी मतलब क्या है गाइस, ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ जाओ, कहीं भी जाओ, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाओ गाइस। सबसे पहले तो बात ये है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सबसे पहले बढ़ानी है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा ली गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, आईने के सामने जाना है मेनली ए गाइस। ठीक है, आईने के पास जाकर गाइस आपको अपने आप से ही बातें करनी है। ठीक है, आईने के सामने अपने आप से ही बातें करनी है, और तब तक करो गाइस जब तक आप खुद को फेस ना कर सको। ठीक है, सामने सामने मतलब वो बोलो, आपका जो भी वीडियो है जिस भी रिलेटेड वीडियो बनाते हो उसके ऊपर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन खुद से बातें करो, आईने से बातें करो। ठीक है, और अपने ग्रुप में अलग अलग कम्युनिटी में जाके बैठो, उनके साथ बातें करो, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ सबसे पहले, तो उसको डेवलप करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो गाइस। ठीक है, तो ये हो गया गाइस। तो इस तरह गाइस आप कैमरे को फेस कर सकते हो। दूसरी बात गाइस, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो वीडियो है, जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करो तो आपका स्टार्टिंग टू एंड एक ही क्लिप बनना चाहिए, मतलब एक ही वीडियो में सब पूरा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता गाइस। बहुत सारे आपको भी यूट्यूबर ऐसे मिलेंगे गाइस जो वीडियो क्रिएट करते हो, आप उसको अपलोड करते हो यूट्यूब पर, लेकिन उनके जो वीडियो रहता है वो एक कट 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 पेस्ट में रहता है। ठीक है, मतलब पूरा एक अलग अलग क्लिप्स का एक कंबाइन करके वो वीडियो बनाया हुआ रहता है। तो आप इस तरह से भी वीडियो बना सकते हो गाइस, सबसे मेन बात। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बोलना नहीं आता, इतना ज़्यादा याद नहीं रहता, तो आप एक एक मिनट की वीडियो बना सकते हो। ठीक है, एक मिनट की, दो मिनट की, इस तरह से वीडियो बना के उसको बाद में कंबाइन कर सकते हो, ये भी चल सकता है गाइस। उसको बाद में एक ही वीडियो में आपको क्रिएट कर देना है, उसको कंबाइन करके एक वीडियो बना देना है। तो इस तरह से भी गाइस आप वीडियो को या कैमरे को फेस कर सकते हो, छोटी छोटी तो वीडियो गाइस आप बना ही सकते हो आसानी से। ठीक है, एक मिनट तक तो आप कैमरे को किसी भी तरह से फेस कर सकते हो। इसी तरह गाइस आपको थोड़ा थोड़ा उसके बाद टाइम बढ़ाते जाना है। तो ऐसे करते हुए गाइस आपका जो कैमरा फियर है वो तो धीरे धीरे करके पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह से गाइस आप कैमरे को फेस कर सकते हो बहुत ही आसानी से। उसके बाद गाइस कैमरे को फेस करने का दूसरा तरीका है, आप खुद को मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 10-15 वीडियो कंटिन्यू बनाओ गाइस। ठीक है, रैंडमली बनाते जाओ कैमरा के ऊपर, और उसको यूट्यूब पे अपलोड मत करो गाइस। मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोल रहा हूँ आपको, एक प्रैक्टिस होने के लिए कैमरा की। ठीक है, ताकि आप कोई भी चीज़ बीच बीच में भूलो ना, आपको सब चीज़ें जैसे याद रहे। इसलिए गाइस कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में एक 10-15 कम से कम वीडियो ऐसे ट्राई करो गाइस, आप बनाने की ट्राई करो, डेली ट्राई करो, 10-15 ही नहीं, जब तक आप पूरी तरह से उसमें माहिर नहीं हो जाते तब तक वीडियो बनाने का ट्राई करो। और एक ना एक दिन तो गाइस मतलब जल्दी आप इस तरीके से गाइस करोगे आप, तो जल्दी कैमरा को फेस करना सीख जाओगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।